बाला भटिंडा रेल मार्ग पर रेल में सफर करने वाले यात्रियों को 25 से 28 जनवरी तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस रेल मार्ग पर नाभा में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। अंबाला रेलवे स्टेशन अधीक्षक राम ने बताया कि अंबाला भटिंडा रेल मार्ग पर नाभा में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लगभग आधा दर्जन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, जिसमें 04548 भटिंडा से अंबाला, 04547 अंबाला से भटिंडा, 14547 अंबाला से श्रीगंगानगर, 14526 श्रीगंगानगर से अंबाला, 4737 4736 अंबाला से श्रीगंगानगर व श्रीगंगानगर से अंबाला, ये सभी रेलगाड़ियां 25 से 28 जनवरी तक रद्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि कुछ रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ रेलगाड़ियों के स्टॉपेज स्किप किए गए हैं। इंटरलॉकिंग हो रही है, जिसकी वजह से 04548 भटिंडा से अंबाला, 14510 भटिंडा अंबाला, 04531 अंबाला धुरी, 04547 अंबाला भटिंडा, 14525 अंबाला श्री गंगानगर और 14526 जो श्री गंगानगर से अंबाला आती थी, ये पूर्ण रूप से कैंसिल हैं 28 जनवरी तक 25 तारीख से 28 जनवरी तक। और उसके पश्चात 4735 और 4736 जो श्री गंगानगर अंबाला और अंबाला से श्री गंगानगर आती थी, इनका स्टॉपेज शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है इनको। ये भटिंडा से अंबाला के मध्य नहीं चल रही है, यानी कि भटिंडा से श्री गंगानगर के बीच में चल रही है। इसके अलावा दादर 11057 11058, ये इनके स्टॉपेज जो है भटिंडा नाभा धुरी मलेल कोटला और अहमदगढ़ में स्किप किए गए हैं। जबकि 2751 जो वाया अंबाला राजपुरा पटियाला जाती थी, अब पानीपत जाखल धुरी होते हुए लुधियाना निकलेगी। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के नाभा में स्टॉपेज स्किप किए गए हैं, जिनमें से 148 1487 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, फरक्का दिल्ली 14507 14508 और 14711 14712 हरिद्वार श्री गंगानगर, इनकी इन गाड़ियों के स्टॉपेज नाभा में स्किप किए गए हैं। ये अंबाला भटिंडा के मेन रूट पे ही है नाभा में। हाँ, प्रभावित है आधा दर्जन। क्या प्रॉपर पेपरों में एडवर्टाइजमेंट किया गया है? हमारे यहाँ अनाउंस सिस्टम, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, उस पर भी हम बार बार इसकी उद्घोषणा करा रहे हैं, और जिनके पहले से रिजर्वेशन थे इस रूट पे, उनके फुल रिफंड किया जा रहा है।